मोदी 23 दिसंबर को एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। 10 दिन में वो दूसरी बार काशी आ रहे हैं और इस बार पीएम 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसमें करखियाओं में अमूल प्लांट का शिलान्यास और बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित कई अन्य कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम पिंडा विधानसभा के करखियाओं में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दूसरी बार पहुंच रहे हैं और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री लगभग डेढ़ घंटे तक वाराणसी में रहेंगे और वहां पर वह पिंडा विधानसभा के में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस समय आपको बता दूं कि पिंडा विधानसभा के करख्याओं में हम वहां पर उपस्थित हैं जहाँ पर जनसभा होना है और यहाँ पर आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री जो है लगभग 2100 करोड़ योजना और परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे, जिसको में जो है अमूल प्लांट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बेनियाबाग का पार्किंग स्थल और इंटीग्रेटेड सर्विस लांच जो कि शहर में जो विभिन्न जगहों पर जो कैमरा लगाया गया है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण होना है। साथ ही साथ जो है अगर हम बात करते हैं तो 25 योजना और परियोजनाओं का प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण व शिलान्यास होना है, जिसको लेकर अगर हम तैयारियों की बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर तैयारियाँ जो है लगभग अंतिम चरण में है और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग अगर हम बात करें तो 23 दिसंबर को 1 बजे के आसपास यहाँ जनसभा स्थल पर पहुँचेंगे और जनसभा स्थल पर जो है वो यहाँ पे उपस्थित लोगों को जो है ना संबोधित करेंगे। तो जिसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरह से जो है तैयारियाँ लगभग अंतिम चरण में है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वह स्टेज जो है सामने जो स्टेज बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री आकर के वहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जिसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंच रहे हैं और वाराणसी में जो है आकर के सबसे पहले तो पार्टी पदाधिकारियों और आला अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद जो है प्रधानमंत्री के स्थलीय जहां से जनसभा होना है वहां पे आकर के वो निरीक्षण करेंगे। तो जिसको लेकर के अगर हम बात करें तो तैयारियाँ अंतिम चरण में है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो 2022 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री जो है काशी की जनता को एक बड़ी की सौगात भी देंगे। तो जिसको लेकर अगर कहा जाए तो तैयारियां जो है अंतिम चरण में है, सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा वाराणसी।